अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद अंबर। तो जब डिफरेंट ग्रेवीज खा खा के आपका दिल उकसा जाए तो बनाएं चिकन अचारी हांडी। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। चिकन अचारी हांडी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसे कैसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, हड्डी के समेत लिए, बोनलेस में भी आप इसे बना सकते हैं। 1 कप दही ऐड करेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अचार का मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफेद जीरा और 1/2 टीस्पून काली मिर्च लिए। 1 टीस्पून कलवंजी लेंगे, 1 लेमन का जूस लेंगे और 2 टीस्पून जो है चाट मसाला या हसबे ज़रूरत ले लेंगे। इन तमाम साबुत मसालों को हमें मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना, ग्राइंडेड में या चट्टू में पीस लें। बहुत फाइन इसको पाउडर हमें नहीं बनाना, थोड़ा मोटा ही रखना है। और इसमें कलवंजी जो है साबुत ही ऐड करेंगे। कलवंजी अगर पीसेंगे तो आपकी हंडिया का रंग काला हो सकता है। यहाँ पे कुछ सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, पतली वाली ली हैं क्योंकि बड़ी वाली अवेलेबल नहीं थी। आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं, पतली होती हैं ये जो मिर्चें, ज़्यादा कड़वी होती हैं, यानी ये ज़्यादा तेज़ होती हैं, तीखी होती हैं। अब जनाब अचार का मसाले जो 2 टीस्पून लिए है उसमें लेमन जूस और चाट मसाला ऐड करेंगे और जो मिर्चों को कट लगा के हमने रखा था इन्हें हम इससे फिलिंग कर लेंगे। तो तमाम मिर्चें मैंने भर ली हैं, बाकी चाट मसाला जो बचा है इसको बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ प्याज लिया, प्याज को स्लाइस में कट करेंगे। 1 देचकी में 1 कप ऑयल ऐड किया है, इसमें कटी हुई प्याज फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन हो जाने तक। और ये 3 टमाटर इनका पेस्ट बना लिया है और प्याज जो फ्राई की हुई है इसमें ऐड करेंगे और इनका भी पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और जो घी था, ऑयल जो हमने डाला था उस कुकिंग पॉट में, उसमें मैरिनेटेड जो चिकन है इसको अच्छे से फ्राई कर लें। चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें प्याज और पेस्ट, वो टमाटर का पेस्ट सॉरी ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी भी इसी जग में ला के डाल दें और अचार का मसाला जो था वो भी तमाम जो बचा हुआ था इसमें ऐड कर दें और 2 मिनट के लिए कुक करें ताकि मसाला भी अच्छे से फूल जाए और उसका फ्लेवर जो है आपके ग्रेवी में आ जाए। और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये पेंदे में जले नहीं। और जब ये पानी रिड्यूस हो जाए, चिकन गल जाए, तो इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए जस्ट इसको दम पे रखेंगे और मिर्चों को बहुत ज़्यादा गलने नहीं देना है, इनका कलर भी चेंज नहीं ज़्यादा करना है। सो ये अचारी हांडी जो हमारी मज़ेदार सी है ये रेडी हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।